हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो वीडियो एक ऐसी वीडियो होने वाली है जिसका आई डोंट थिंक कि हमें टाइटल भी बताने की जरूरत है। यस गाइस, क्योंकि हम एक तो पहले इतने एक्साइटेड है, बट चलो बता ही देते हैं। सो आज जिस हम सॉन्ग पे रिएक्ट करने वाले हैं वो होने वाला है तलहा अंजुम का, जो कि एक न्यू सॉन्ग आया है। वैसे न्यू नहीं है, अब इनका आदत भी आ गया है। बट उससे पहले हम क्यों पर रिएक्ट करेंगे, सो क्यों इज द टाइटल। एंड गाइस, इसमें तलहा अंजुम के साथ जो एक और आर्टिस्ट है दैट इज अनुरल खालिद। सो हमने कभी इनके बारे में सुना नहीं है पहले, सो दिस इज आवर फर्स्ट टाइम लाइक एवर। यस, और हमारे चेहरे पे आप लोगों को ऐसा दिख रहा होगा कि हम कांट स्टॉप स्माइलिंग, वी कांट स्टॉप स्माइलिंग, बट वी आर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ना हमने सुना था तो ये बहुत मतलब ऐसे सॉफ्ट रोमांटिक टाइप ऑफ लोफाई काइंड ऑफ। और यार मेरे को नहीं लग रहा कि हम बैठे बैठे रिएक्ट कर सकते हैं इस वीडियो पे। मुझे ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंटिक लेवल जो बहुत ज्यादा हाई है इस टाइम। तो भी फटाफट से देखते गाइस। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट हैव टू से कि जो तलहा अंजुम है, आई थिंक वो हमारे जनरेशन के लाइक वन ऑफ द बेस्ट रैपर या फिर सॉन्ग राइटर या फिर आर्टिस्ट सिंगर कुछ भी कह लो है, क्योंकि गाइज जो इनको लाइक यूजुअली सुनते हैं या फिर जिनको अच्छे लगते हैं वो मतलब मानेंगे इस बात को, क्योंकि ही इज जस्ट अनदर लेवल गुड यार। मतलब हर चीज देख ले, तो उनके रैप देख ले या फिर कुछ भी देख ले, इट्स जस्ट अमेजिंग। तो वी हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस एंड वी लव हिम, हम पहले बता रहे हैं। एग्जैक्टली, और वो इतने बढ़िया लिरिक्स लिखते हैं ना यार, और बहुत सही। और हमने इनको स्टार्ट करा था सुनना गुमान से, एंड नाउ हेयर वी आर ऑन क्यू। मतलब इसके बीच में हम आई गेस 15-20 रैप सुन चुके हैं, तो लाइक वी आर फैन। हाँ, पहले हम यूजुअली यंग स्टनर्स पे करते थे रिएक्ट, बट अब हम इनका सोलो पे भी रिएक्ट करें, क्योंकि गाइज अब हम छोड़ नहीं सकते इतना अच्छा जब इनका हो रहा है म्यूजिक। तो अभी फटाफट से देखते हैं गाइज, बहुत बातें बनाने के लिए हम पे, बट हम बाद में बनाएंगे, बिकॉज पहले सुनते हैं। सो लेट्स गो। तू आया नहीं क्यों, सदियों से लंबे हैं लम्हे, यहाँ क्या करूँ। इट्स रोमांटिक सॉन्ग, आहट वेरी डिफरेंट फ्रॉम नींद से भी उठ पड़ूँ, सब कुछ भुला कर मैं यादें समेटा करूँ, फिर तेरे सिरहाने मैं बारिश में भीगा करूँ। मिलके भी तू ना मेरा है ना यकीन, खोया है दिल ये रोया है, तुझको ढूंढा था बेवजह, जाने ये आलम है कैसा, आएगा कैसे सवेरा, तन्हाई ऐसी है मुझसे कहती है तुझको फिर से लूं बुला। तू ना जाने तेरे बिन मैं कैसे पहले ये गुजारे, I mean I'm sorry for the heartbreak, you know we never should have parted. It's been a while, तुम वक्त के निकाले, दिल की दीवारों को दीमक की तरह फिक्र तेरी खाए, that wasn't a goodbye, तुम फिर भी ना लौट के आए, कलम उठाई फिर मैंने और लिखी जो मैंने बिताई, तेरे से पहले भी था कुछ, तेरे बाद भी हूँ, तेरे साथ था जो वो दफन कर चुका अपनी साथ में हूँ, एक लाश है बस, थोड़ी सी याद है बस, एक आधा किस्सा है जिसमें देते हैं तेरी मिसाल है बस, मलाल है बस, तू आया नहीं क्यों, मैं तो आया था सुनने वो गीत तेरा तूने गाया नहीं क्यों, खुशी में शामिल रहो मेरी, मैं गम में बुलाता नहीं हूँ, मैं माफ कर देता हूँ लेकिन मैं कभी बुलाता नहीं हूँ, खुदा ने लेके भी और दे के भी लिया इम्तिहान मेरा, मैं तो सब कह के भी ना कह के भी जाना बेजुबान रहा, सब तो लुटा आए, याद ही तेरी मेरा सामान रहा, सदिया गुजारी के नहीं तेरे इंतजार में, तू ये बता तू आया नहीं क्यों, बारिश में भीगा करूं।
want this song to end like ever. Obviously. और इतना मतलब oh, चल हम दोनों पहले ठीक है let me feel it. Okay. तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल जो उन्होंने मतलब इस बार जो उनका आया है बिल्कुल वो बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि वो हमेशा पहले रैपिंग से स्टार्ट करते हैं बट ये जो था ना ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था और उनके जो मतलब जो एक बार सेट करा हुआ था ना उन्होंने वो उन्होंने खुद ही ब्रेक कर दिया और वो खुद ही आगे निकल गया उससे. एग्जैक्टली और चलो अभी तलहांजी के बारे में तो बात करते हैं बट जो वो थी अनरल खालिद मतलब शी इज़ अमेजिंग यार. जब उन्होंने लाइक एग्जैक्टली शुरू करा ना गाना मतलब एक होता ना कि रूह को छू गई उनकी आवाज़ वैसा हो गया बिकॉज इट वॉज सो वाइबी और मतलब ऐसा लग रहा था कि बस सो जाओ और उनका सुनते रहो सो नहीं जाओ मतलब ऐसे वाइब करो गाइस आप समझ रहे हो अगर. बट यार मेरे को तो उनसे भी प्यार हो गया बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हर टू बी दिस गुड. लाइक मुझे पता था शी इज गोइंग टू बी अमेजिंग बट आई थिंक आई लव हर और मैं उनके और भी काफ़ी सारे गाने सुनने वाली हूँ. एग्जैक्टली यार उनकी आवाज़ बिल्कुल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करी थी दोनों की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा. और आई गेस स्टार्टिंग में तलहांजी का जब शुरू हुआ था था उसमें क्या थोड़ा ऑटो ट्यून था वो क्योंकि उनकी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट लग रही थी बट दैट्स टोटली ओके. लेकिन जब उनका रैप वाला पार्ट आया ना तब आया हमें तलहा अंजुम का असली जो एसेंस है. एग्जैक्टली एंड गाइज इट वॉज अमेजिंग माइंड ब्लोइंग क्योंकि मैं अगर कहूँ ना वी कैन नॉट से मच अबाउट इट कि क्या बोले मतलब इतना उन्होंने मेरे को पहले फर्स्ट लग रहा था कि वो शायद रैप वाला पार्ट नहीं डालेंगे और मैं थोड़ी सी सैड थी स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कि बीच तक नहीं आया था बट इट गाइस ब्लू आवर माइंड्स ऑफ. किसी ने ना कमेंट में लिखा हुआ था कि तलहा अंजुम इज वेरी हैप्पी ही हैज अ गर्ल लाइक उनके रिलेशनशिप में बट वो ये गाने ला के हमारा दिल तोड़ रहे हैं सिंगल्स का. तो आई टोटली एग्री कि भाई वो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में बट जो गाने ला रहे हैं ना सबके लोगों का दर्द हो रही है यहाँ पे. एग्जैक्टली बट यार उन्होंने एकदम से एक म्यूजिक जॉनरा होता है ना जो उनका था वो एक डिफरेंट म्यूजिक जॉनरा में भी आग लगा रहे हैं. एनीथिंग एग्जैक्टली बिलीव कर दे तू जैसे उनके कोई भी डिस वाले रैप है फिर कुछ भी है ना मतलब कुछ भी दे दो उनको ही कैन किल इट एवरीथिंग. कोक स्टूडियो वाला जो उनका था वो भी इट वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम हिज यूजुअल स्टाइल एंड जो अब ये भी आया गाइस दिस इज तो अलग लेवल. और मेरे को तो आदत जो उनका न्यू आया उसके लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है. बाकी यार एक रैप के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरे को इतना उसके लिरिक्स जो थे ना वो इतने हार्ट टचिंग थे वो एक एक लाइन बोल रहे थे तो उस टाइम ऐसा मन कर रहा था कि मतलब कुछ एक्शन करें हम खड़े होके बिल्कुल ऐसे हो गया था कि मेरे को बोलने का मन कर रहा था ये लिख कैसे दिया यार लाइन ये लाइन कैसे लिख दी. जैसे तो, मेरी दो फेवरेट लाइंस थी एक तो वो कि तेरे बाद भी था और तेरे बाद तेरे से पहले भी था तेरे बाद भी और जो वो पूरी लाइन थी और एक वो मैं भुला देता हूँ बट माफ ऐसा कुछ था समथिंग मतलब बहुत अभी हम चेक करेंगे पूरा. हाँ अभी वैसे हमने लिरिकल वीडियो पे गाइस रिएक्ट करा है ऑब्वियसली ये लाइन रुक जा चेक इट. और गाइज बहुत मतलब उन्होंने किल कर दिया सॉन्ग में मतलब पता चल रहा है कि पाकिस्तान में और लाइक इंडिया में भी काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है ये सॉन्ग. हाँ इंडिया में भी क्योंकि काफी सारे फैंस हैं. और ये वाली लाइन थी देख रुक जा तेरे से पहले भी था कुछ तेरे बाद भी हूँ तेरे साथ था जो दफन कर चुका अपनी जात में हूँ. यार मतलब कैसे लिख कैसे सकता है. और ये लाइन मैं माफ कर देता हूँ लेकिन मैं बुलाता नहीं हूँ. और भी लाइंस थी पूरा मेरे को तो पूरा रैप में एक एक लाइन अच्छी लगी. मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी फेवरेट ये थी या फेवरेट वो थी मुझे पूरा रैप अच्छा लगा. और तलहा अंजुम है जो इन्होंने कम्युनिटी पोस्ट पे ये भी डाला था कि थैंक यूज बोला था क्योंकि थैंक यू बोला था लोगों क्योंकि 10 आर अगो आया था और 10 घंटे के बाद ये ट्रेंडिंग में आ गया था और पता चल रहा है यार कि क्यों. एग्जैक्टली मतलब मेरे को तो बड़ा पसंद आ गया. लाइक आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी माई न्यू फेवरेट सॉन्ग तलहा अंजुम का क्योंकि दिस इज लाइक मैं सुबह से ना गुमान सुन रही हूँ. मैं इसको बोल रही थी मैं सुबह से गुमान सुन रही हूँ मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है. और हमारा कुछ प्लानिंग भी नहीं थी कि आज हम तलहा अंजुम के गाने पर रिएक्ट करेंगे वो तो हमने देखा कि आदत न्यू आया तो इसने बोला कि क्यों भी आ रखा है तो उस पर रिएक्ट करते हैं फिर आदत पे करेंगे क्योंकि क्यों पहले आ गया था यार फिर वो एक वो रह जाता है ना तो फिर वो रह जाता है तो इस वजह से. तो गाइज मेरे को पता नहीं क्या करने का मन कर रहा है गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन आधे एक घंटे तक बट आई थिंक वी शुड एंड द वीडियो बिकॉज हमने अपना रिव्यू तो दे दिया और अब हम काफी ज्यादा ओवरवेलम्ड भी हो रखे हैं एग्जैक्टली. सो गाइस दिस वाज अ रिएक्शन थैंक यू सो मच वाचिंग. आई थिंक ये सबको बहुत पसंद आया गाना सो हिट द थम्स अप बटन यस और सब्सक्राइब कर दो चैनल को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय.